आइए अब देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम जावा के प्रोग्राम में वैल्यूज़ किस तरह से इनपुट कर सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर तीन सैम्पल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया है एक है सम एक है स्क्वेयर और एक है इंटरेस्ट ये तीनों प्रोग्राम्स जो है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं और इन तीनों प्रोग्राम का कोड मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा हमेशा की तरह अब हम पहले प्रोग्राम को ओपन करते हैं फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स तो हमने क्लास बनाया सम नाम से पब्लिक क्लास सम ओपनिंग ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक स्टेटिक मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू जीरो हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों किया है हमने वेरिएबल uh, डिक्लेयर किया है ए बी और सी की वैल्यू हमने जीरो इनिशियलाइज की है अब हम ए को वैल्यू असाइन करेंगे ए इज ईक्ल टू टू फोर्टी फाइव बी इज़ ईक्ल टू थ्री सेवेंटी फाइव अब हमें ए और बी को ऐड करना है और उसकी जो एडिशन है वो सी में स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिखेंगे सी इज़ इक्ल टू ए प्लस बी अब हमें इस कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है वो प्रोग्राम के आउटपुट में दिखना चाहिए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन ब्रैकेट इन डबल कोर्ट्स द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू विद इन कोर्ट्स तो ये कोट्स के अंदर का जितना भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो जैसे के वैसे प्रिंट होगा उसके बाद में प्लस सी सी जो है हमारा वेरिएबल है जिसमें ए और बी की एडिशन हमको डिस्प्ले करनी है तो ये प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह से लिखा जाता है अब दोनों ब्रैकेट्स हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे अब इसको हम कंपाइल करेंगे नीचे देखें कंपाइलेशन पूरा होगा नो सिंटैक्स एरर्स उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे अब ये जो आइकॉन है क्लास का सम नाम के इसके ऊपर राइट क्लिक करें और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पर क्लिक करें उसके बाद में दोबारा ओके पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमको अपने प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्लियर कर देंगे तो पिछले प्रोग्राम का अगर आउटपुट कहीं होगा तो वो भी निकल जाएगा और दोबारा राइट क्लिक करके हम वाइड मेन पे क्लिक करें ओके तो ये हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी तो इस तरह से एक प्रोग्राम हमने देखा अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वायर का फाइंड एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर तो हमने स्क्वायर नाम से एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास स्क्वायर इन ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स अब नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड यहां पे है इंटीजर एस एरिया इज इक्वल टू जीरो पेरी इक्वल टू जीरो जो वेरिएबल्स हैं एरिया और पी आर है पेरीमीटर डबल डी आई जी ए डायगोनल के लिए इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एस जो है साइड है जो स्क्वायर की एक साइड जो है वो ट्वेंटी की है एस इज इक्वल टू ट्वेंटी अब हम फार्मूले लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस पेरी इक्वल टू फोर इंटू एस डायगोनल इज इक्वल टू मैथ डॉट एस एस्क्टी इन ब्रैकेट टू मल्टीप्लाइड बाय एस तो ये मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं तो यहाँ पे फॉर्मूल ये जो फार्मूलेज हैं ये कैलकुलेट करेंगे और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगी एरिया पेरीमीटर और डायगोनल अब हमको इसको डिस्प्ले करना है तो इस डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन ब्रैकेट अब डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे जैसे कि वैसे प्रिंट होगा एरिया ऑफ स्क्वेयर इज प्लस एरिया ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्टोर किया गया है तो यहाँ पर एरिया आएगा उसी तरह से यहाँ पेरीमीटर और यहाँ पर डायगोनल अब इस हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे देखें नीचे किस तरह की कोई एरर नहीं है फिर उसको क्लोज़ कीजिए अब स्क्वेयर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए वाइड मेन पे क्लिक कीजिए ओके अब दोबारा देखिए यहाँ पे पिछले प्रोग्राम का भी आउटपुट दिखाई दे रहा है तो इससे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो ऑप्शन पर जाके इसको क्लियर कर दीजिए और इसको दोबारा देख लीजिए तो यहाँ पे क्लियरली इसी प्रोग्राम का आउटपुट हमको दिखाई देता है एरिया ऑफ स्क्वेयर इज़ फोर हंड्रेड पेरीमीटर इज एट्टी और डायगनल इज़ ट्वेंटी एट पॉइंट टू एट तो इस तरह से हमारे पास में अगर कैल्कुलेशन जिन, जिन चीज़ों का करना है वो वैल्यूज़ अगर हैं हमारे पास में तो उसके फार्मूलेज लिख के उसको एक प्रोग्राम की तरह रन करके हम जो है हमारा रिजल्ट आउटपुट कर सकते हैं तो आइए और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इंटरेस्ट वाला ये है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेएबल वेन प्रिंसिपल अमाउंट एनुअल इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर्स इज़ प्रोवाइडेड यानी कि अगर किसी ने लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने साल तक के लिए वो लोन है वो अगर हमें पता है तो उससे हम सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट पेएबल मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने इंटरेस्ट नाम से एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास इंटरेस्ट इन ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक स्टेटिकाइडमेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स फिर दोबारा नया ब्लॉक ऑफ कोड है इंटीजर पी ए आर ओ आई और टी ईयर्स ये जो हैं वेरिएबल्स हैं पी ए यानि प्रिंसिपल अमाउंट आर ओ आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट टी ईयर्स यानी टाइम इन ईयर्स तो हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल्स बनाए हैं इनका आप कुछ भी नाम रख सकते हो एक्स वाई जड़ भी लिख सकते हो यहाँ पे। वेरिएबल्स का नाम बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार आप चेंज कर सकते हो और फिर ये और एक वेरिएबल बनाया हमने डबल सिंप आई एन टी सिंपल इंटरेस्ट तो ये भी वेरिएबल का नाम है हमने इसको इनिशियलाइज किया जीरो अमाउंट पे यानी जो टोटल अमाउंट पेएबल है उसको वेरिएबल बनाया अमाउंट पे इज इक्वल टू जीरो अब प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो लोन लिया गया था वो है पाँच हज़ार का तो पी ए इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर ओ आई आर ओ आई की वैल्यू कितनी है नाइन है टाइम ईयर्स इज इक्वल टू टू दो साल के लिए पाँच हज़ार रुपये नाइन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से दो साल के लिए अगर लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो इस सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट पी ए इंटू आर वाई इंटू टी ईयर्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये हमने फार्मूला लिख दिया फिर टोटल अमाउंट पेबल क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट पे इज इक्वल टू पी ए प्लस सिम्पी इंट तो हमने फार्मूले लिख दिए अब जो प्रोग्राम जब रन होगा तो ये फार्मूले के हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा और जो रिज़ल्ट है वो ये दो वेरिएबल्स में स्टोर होगा सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पे में अब हम इनको डिस्प्ले करेंगे तो ये होगा हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट्स तो जब हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ अगर हमको एंटर करनी हो तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके हम इस तरह से डेटा इनपुट जो है हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अब हम आउटपुट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन डबल कोट्स दी लोन अमाउंट इज डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो जैसा होगा वैसा प्रिंट होगा प्लस पी ए पी ए क्या है वेरिएबल है तो ये वेरिएबल इसकी वैल्यू फाइव थाउजेंड है वो यहाँ पे प्रिंट होगी आउटपुट में उसी तरह से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन सिम प्रिंट और अमाउंट पे तो इस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं